अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिया टीवी। चैनल बनाने का तरीका इसका सिंपल है, आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके इसका अकाउंट बनाने का जो है ना आप मुझसे वहाँ पर प्रोसेस पूछ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। मैं सबसे पहले विड्रॉ रिकॉर्ड दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, ये आप देख सकते हो इसका जो है ना विड्रॉ का रिकॉर्ड है। कि कुछ लोग कहते हैं ये विड्रॉ नहीं देती, क्यों नहीं देती भाई, विड्रॉ देती है ये, इसका विड्रॉ अब बंद होने वाली कहानी नहीं है। ये कोई ऐप थोड़ी अर्निंग ऐप थोड़ी है कि यहाँ से आप डिपॉजिट करो और 5-7 दिन चले जिस तरह की आजकल अर्निंग ऐप आ रही है और बाद में बंद हो जाए। ये गेम ऐप है, ये लोग बंद नहीं करते, इनको यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा होता है, तो इन्होंने बंद क्यों करनी। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब कौन सी गेम अगर खेलने हैं तो फ़ायदा आपको मिल सकता है। ये ड्रैगन वर्सेस टाइगर में से आपको अगर आप उसमें सीखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि कौन से किस चीज़ को जहन में रखकर गेम खेलें तो कुछ अर्निंग वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं। ड्रैगन वर्सेस टाइगर फर्स्ट वाले इसको ओपन कर देते हैं, सबसे जो बड़ा मैच हो आप उसी में कोशिश की करें। 428 वाले में मैं चला जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैच को रहा कर देखा करें, पहले आप सीरीज़ को देखें चल क्या रहा है, पिछले रिकॉर्ड को देख कर ही आपने आगे गेम खेलनी होती। यहाँ पर दो ड्रैगन एक टाइगर इस तरह का यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ कि जब भी टाई हो तो उसके बाद 90% चांस होते हैं टाइगर आने के, वहाँ अब इस गेम में भी ये टाइगर आया हुआ है। तो अभी एक दो मैच यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बैट वगैरह लगा कर चेक करते हैं क्या ये यहाँ से अर्निंग होगी या नहीं होगी। अभी इसका जो चल रहा है यहाँ पर दो टाइगर आ रहे हैं मिक्स चल रहा है यहाँ, मतलब ये जो राउंड है ये मिक्स ही चलेगा। अब ये एक मरतबा यहाँ पर इन्होंने टाइगर टाई के बाद टाइगर दिया है और एक ड्रैगन दे दिया, एक एक की सीरीज, अगर उन्होंने एक एक की सीरीज चलानी हुई तो अब यहाँ पर टाइगर आएगा। मगर यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ड्रैगन दो मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पर भी मेरे अंदाजे से ड्रैगन ही आना है, तो देखते हैं क्या आता है। कुछ यहाँ पर इंटरनेट इशू है, फिर भी यहाँ पर देख लिया आपने ड्रैगन ही आया है यहाँ पर, क्योंकि पिछले जो है ना इसको रिकॉर्ड को देखना चाहिए कि भाई पीछे क्या चल रहा है, उस हिसाब से आगे गेम को चालू रखना चाहिए। अब पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक दो ड्रैगन आ रहे हैं, अब तीसरा यहाँ पर टाइगर आने के 90% चांसेस हैं, क्योंकि पिछले के मुताबिक यहाँ पर टाइगर ही आएगा, क्योंकि आपने पिछले रिकॉर्ड को साथ में लेकर चलना होता है। जब सीरीज़ चेंज होनी हुई तो वो एक अलग बात है, जब ये चेंज होता है तो उस वक्त का, अभी अगर इन्होंने तीन मरतबा ये कर दिया मतलब इन्होंने सीरीज़ पीछे वाली तोड़ दी है, अब चौथी मरतबा भी ड्रैगन आ सकता है, नहीं तो टाइगर आया तो अब ये एक न्यू सीरीज़ जारी होगी। अब देखते हैं इस मरतबा क्या आता है। मेरे ख्याल में अभी अगर तीन ड्रैगन आ गए, चौथा भी ड्रैगन को ही आना चाहिए, क्योंकि अगर सीरीज़ इन्होंने तोड़नी है तो यहाँ पर लोग ये सोचेंगे कि टाइगर आएगा, मगर इन्होंने अपनी सीरीज़ जो तोड़ कर उसके मुताबिक इन्होंने ड्रैगन ही यहाँ पर देना है। तो देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। आप जब भी कोई गेम वगैरह खेल रहे हों तो यहाँ पर देखें, अभी भी आया ड्रैगन नहीं आया, ड्रैगन आया जो मैंने आपको बताया वही आया देखें। इसलिए जब पिछली आप कोई गेम खेल रहे हो पिछली उसकी सीरीज़ को लाजमी देखा करें कि पीछे क्या रिकॉर्ड में क्या चल रहा है, वहाँ के पीछे वाले नंबर्स क्या आ रहे हैं, उनको देखने के बाद ही आप कोई किसी फैसले को पहुँचा करो। ये नहीं गेम ऑन की और वहाँ पर धड़ाधड़ आपने शुरू कर दिया। मैंने ये गेम खेलने के लिए वीडियो बनाई थी, आपको समझाने के लिए बनाई थी, ताकि अगर आप गेम वगैरह खेलो तो तरीक़ेकार से खेला करो, समझ कर खेला करो। एकदम से आते ही आपने यहाँ पर पैसे नहीं घुसा देने होते, क्योंकि एकदम आते ही आप सारा कुछ लगा दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। एक चीज़ आपको ये बता दी कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आपने आगे गेम खेलनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप जैसे ही इस गेम के अंदर इंटर होते हैं तो कोशिश किया करें जो बड़ी साइड हो, जो मतलब ज़्यादा नंबर्स वाली साइड हो, अब ड्रैगन वाले नंबर वाले ज़्यादा हैं तो आप एक ही साइड पर लगा करो, एक ही साइड बैट लगाया करो। अब यहाँ पर ड्रैगन ज़्यादा हैं तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए 20 रुपये यहाँ पर लगा देता हूँ ड्रैगन पर, सॉरी नेट इशू वैसे लगा नहीं आया ड्रैगन में। कहने का मतलब ये था आपने बड़ी साइड को लेकर चलना है, 20 रुपये आपने ड्रैगन पर लगा दिए एक तरफ, या 50 लगी, 60 लगा दिए, 80 लगा दिए, दूसरी मरतबा भी आप इसी के ऊपर लगाओ। बेशक वहाँ पर आप अगर वहाँ पर टाइगर भी आए तो कोई मसला नहीं, आप एक यहाँ से हारोगे, इससे अगली कंफर्म जीत जाओगे। अभी मैं यहाँ पर दोबारा से इसी के ऊपर एक मैच लगा देता हूँ ड्रैगन के ऊपर, क्योंकि आपने एक ही साइड को लेकर चलना है और उस साइड को लेकर चलना है कि जिसका पीछे रिकॉर्ड अच्छा हो, जो बार बार आ रहा हो, आपने उसी को यहाँ पर साथ लेकर चलना होते। एक तरफ रहोगे एक आध मैच, ये देखो दोबारा से मेरा किंग आया और मैं यहाँ से ये बैट भी जीत चुका हूँ। तीसरी मरतबा भी आपने पैसे इसी के ऊपर लगाने हैं, और एक मरतबा आपने 20 लगाया, दूसरी मरतबा 40 लगाओ, अगर वो मैच हार जाते हो तीसरी मरतबा 60 लगाओ, अगर वो भी आप हार जाते हो चौथी मरतबा आप जाकर 100 लगाओ, पीछे जितना भी 60 का अगर आपको लॉस हुआ है 100 वाली में कंफर्म आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। मेरा इंटरनेट इशू है, यहाँ पर गेम खेलना मेरे लिए फजूल है, बार बार देख रहे हैं इंटरनेट का इशू आ रहा है तो ये मुश्किल कर रहा है। तो वीडियो मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए बनाई है, ताकि अगर आप इस तरीक़ेकार से यहाँ पर ड्रैगन वैसे टाइगर पर आती हो तो ये चीज़ें मद्देनजर रखा करो। अब एक टाइगर आ गया है तो आपने दोबारा टाइगर की तरफ कभी नहीं घुसना, अगर आप एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हो आप अभी भी यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर ही रहना, क्योंकि एक आध टाइगर आए या दो आए, तीन भी आ सकते हैं, चौथी मरतबा लाजमी कन्फर्म ड्रैगन ही आएगा, टाइगर नहीं आएगा। तो अभी भी यहाँ पर ड्रैगन का ही चांसेस हैं, इसी के ऊपर आपने रहना है। बेशक आप मैच हारो या जीतो, आपने इसकी तरफ इसका मतलब साथ नहीं छोड़ना, एक अगर आप लाइन को लेकर चल रहे हो तो इसी के ऊपर चलना है।
अब दो टाइगर आ गए, एक में आपने अगर 20 लगाए थे, दूसरी में 40 लगाए थे, 60 रुपये टोटल आप हार गए हो। अब आप यहाँ पर तीसरी मरतबा भी ड्रैगन के ऊपर 60 रुपये लाजमी लगाओ ताकि ये मैच आप जीतो तो पिछला सारे का सारा लॉस आपका कवर हो जाए। 80 लगाना चाहो वो भी कोई मसला नहीं है, मगर 3 तक आप जो है ना कम अमाउंट लगाया करो, चौथी के बाद आप अमाउंट बढ़ाओ ताकि आपको विनिंग के चांसेस जो है ना ज़्यादा होते हैं। अब ये देखो तीसरी मरतबा लाजमी तौर पर इन्होंने ड्रैगन दे दिया, जो आपका पिछला लॉस हुआ था वो यहाँ से हो जाता है पूरा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो में दो बातें मैंने आपको समझाई हैं, इसी को आपने लाजमी लेकर चलना है। एक ये कि पिछले रिकॉर्ड को आपने लाजमी देखना है, उसी के मुताबिक गेंद को खेलनी है। दूसरी ये कि शुरू से आपने अगर एक ही तरफ को पकड़ के रखा है तो उसी की तरफ रहो, आपको लॉस कम होगा और यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मज़ीद इसके ऊपर अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसके मुतल्लिक और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाएँ।